हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सो रिसेंटली मैंने अपने पेट के साथ ट्रैवल करा है ऑस्कर के साथ इन फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली एंड दिस टाइम मैंने ट्रैवल करा है अकाशा एयरलाइन के साथ जिन्होंने रिसेंटली फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नवंबर पेट्स को ऑन बोर्ड करना स्टार्ट कर दिया है सो so, इससे पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था हाउ टू ट्रैवल विथ अ पेट इन एयर इंडिया फ्लाइट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हो बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक वेरी स्पेसिफिक अबाउट अकाशा एयरलाइंस माई एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम बुकिंग टिल डी बोर्डिंग द प्लेन सो एवरी थिंग यू नीड टू नो वेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेट इन अकाशा एयरलाइन आई एम गोइंग टू टेल यू एंड ये मैंने बहुत सारे इस नोटबुक में पॉइंट्स बनाए क्योंकि मैं नहीं चाहता था एक भी पॉइंट मिस हो एवरी थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ बुकिंग माई फ्लाइट सो सबसे पहले अगर आपको अपने पेट के साथ ट्रैवल करना है तो आपको अपनी टिकट भी कंफर्म करनी पड़ेगी ना तो मैंने अकाशा एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करी थी क्योंकि बहुत नई वेबसाइट है बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं एंड आई गॉट अ वेरी गुड डील सो मैंने वहाँ से बुक करी बट यू कैन बुक फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म सो द मोमेंट यू हैव बुक योर फ्लाइट मैं सजेस्ट करूंगा आप इमीडिएटली अपने पेट की भी टिकट बुक कर दो वैसे 48 एट आवर्स बिफोर दी फ्लाइट आप वो टिकट बुक कर सकते हो अपने पेट की आ, आप चाहे तीन दिन पहले करो चाहे दो महीने पहले करो चाहे दो हफ्ते पहले करो इट इज़ अप टू यू बट 48 घंटे से पहले बुक कर लेना सो so, आपको अपने पेट बुक करने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले आप इन्फो एक मेल लिखना है आपको उस मेल का जो सब्जेक्ट रहेगा Uh, मैंने मेंशन किया था पेट ऑन बोर्ड इट इज़ ऑलवेज गो टू मेंशन लाइक दैट तो आप पेट ऑन बोर्ड का एक सब्जेक्ट uh, लिख देना एंड जो मेन टेक्स्ट रहेगा उसमें आपको बेसिकली मेंशन करना है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लाइट विद द पीएनआर नंबर आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल विथ माई पेट प्लीज़ लेट मी नो फर्दर प्रोसीजर्स और उसके साथ आपको एक अटैच करना है फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट सो बेसिकली आप एक वेटनरी पे जाओ उनके पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट रहता है फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट का बस उनको बोल दो कि ये मेरा आ, पेट है इसका नाम ऑस्कर है या आपके पेट का जो भी नाम है उसका कौन सा ब्रीड है एंड ब्रीड के साथ उसका वेट मैंशन कर दो एंड ऑल्सो उसमें ये प्रॉपर्ली मैंशन होना चाहिए कि योर पेट इज़ वैक्सीनेटेड उसका वैक्सीनेशन ड्यू नहीं है प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है दैट्स इट ये लिख दो और जो वेटनरी है वो अपना साइन कर देगा दैट्स ऑल यू need टू हैव वही होता है फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट तो ये आप अपनी वेटनरी से बनवा के इसी मेल में अटैच करके अकाशा एयरलाइन को भेज दो अब अकाशा एयरलाइन मेरे केस में इन्होंने within थ्री आवर्स रिस्पॉन्ड कर दिया था वैसे यूजली ट्वेंटी फोर आवर्स का इनका टाइम रहता है कि ट्वेंटी फोर आवर्स में आपको कॉन्टैक्ट कोई ना कोई रिप्रजेंटेटिव कर लेगा तो मुझे तीन आवर में कॉल आ गया एंड कॉल में वो फिर से कन्फर्म करते हैं कुछ चीज़ें पहली चीज़ पूछेंगे आपके पेट का वेट कितना है क्योंकि अकाशा एयरलाइन इन कैबिन में सिर्फ सेवन के तक अलाउड करता है तो ये चीज़ जानना उनके लिए ज़रूरी है एंड द वेट शुड बी विद द कैनल विद द कैरियर जिसमें आप अपने पेट को ले जा रहे हो तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है वो जरूर पूछेंगे उसके बाद ब्रीड पूछ लेंगे कैट का या डॉग का जो भी है क्योंकि स्मॉल डॉग्स ही अलाउड होते हैं कैट्स यूजुअली फाइव टू तो सिक्स किलोज में आ जाती हैं बट डॉग्स जो है वो सिर्फ स्मॉल डॉग्स ही केबिन में अलाउड हैं जिनका वेट अप टू सेवन के तक होता है एंड वैक्सीनेशन के बारे में पूछेंगे एंड दैट्स इट दैट्स इट इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आपको एक लिंक भेजेंगे पेमेंट का सो so, आपने वो पेमेंट करनी है देर इज़ अ फ्लैट चार्ज ऑफ़ फोर थाउजेंड रुपीज़ जिसके ऊपर मैं आऊँगा चार्जेस के ऊपर मैं आगे आके बताऊँगा कितने हैं बट मेरे केस में केवन में फोर थाउजेंड रुपीज़ था तो मैंने वो पेमेंट कर दी सो आफ्टर यू मेक अ पेमेंट दे आर अगेन गोइंग टू सेंड यू अ टिकट जिसमें आपकी भी बुकिंग रहेगी एंड फेयर सेमरी सेक्शन में मैंशन रहेगा कि केबिन में एक पेट को हमने इतने चार्जेस लिए मतलब 4, रुपीज जैसे मेरे केस रुपीज था तो वो फेयर सेमरी में प्रॉपरली के चार्जेस सो so, अभी तक हमने अपनी टिकट बुक करी पेट की टिकट बुक करी अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं किस में लेके जाओगे अपने पेट को सो यूजुअली सॉफ्ट बैक्स भी बहुत सारे एयरलाइंस अलाउ करते हैं बट अकाशा एयरलाइन एकदम स्पेसिफ़िकली मेंशन किया हुआ है कि हार्ड केस कैनल जो होते हैं उन्हीं में आप लेके जा सकते हो अपने पेट्स को और उसका एक स्पेसिफ़िक डायमेंशन भी होता है जो मैं यहाँ आप पर नीचे आपको मैंशन कर दूंगा तो आ, मैंने क्या किया था मेरे पास दो कैनल्स हैं बेसिकली एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है छोटा वाला मतलब 19 इंच का एक है 23 इंच का सो so, जो 19 इंच का मैंने ख़रीदा है वो स्पेसिफिक फॉर दिस ट्रैवल लिया है क्योंकि सॉफ्ट बैग्स अलाउड नहीं थे काकाशा एयरलाइन में और मेरे पास सॉफ्ट बैग छोटा वाला था तो मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच करता हूँ आप देख लो किस तरह का आपको कैनल चाहिए और उसका लिंक भी कहाँ से मैंने खरीदा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो so, ये मेरे पास दोनों साइज़ के कैरियर बॉक्सेस हैं ऑस्कर के लिए ये बड़ा वाला है जो मैंने लिया था इसलिए क्योंकि ये कंफर्टेबली बैठ सके आज से साढ़े चार साल पहले लिया था मुझे पता नहीं था फ्लाइट में कभी ट्रैवल भी करेगा तो मैंने ऐसे ले लिया था बट फ्लाइट में अगर आपको ट्रैवल करना है सो यू नीड अ स्मॉलर बॉक्स जो आपके सीट के नीचे आराम से फिट हो जाए या अंदर चला जाए फ्लाइट के सो मैं इस बॉक्स का लिंक डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिस इज़ ट्वेंटी थ्री इंच एंड दिस इज़ नाइनटीन इंच सो यू हैव टू बाई द नाइनटीन इंच बॉक्स ये अमेज़ोन में बहुत आराम से मिल जाता है मुझे पंद्रह सौ रुपये में मिला था ये एंड ये शायद दो हज़ार रुपये में मिला था इस पर्टिकुलर कैनल के अंदर आपको एक पी पैड भी लगाना पड़ेगा जस्ट ये uh, uh, एक रिक्वायरमेंट है उनकी तो आप लगा के चले जाना पी पैड भी बहुत सस्ता मिलता है उसका भी, भी लिंक मैं डाल दूँगा ये सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको ठीक है और जो आपके पास कैनल बैग रहेगा वो आईडी अप्रूव्ड होना चाहिए सो जो मैं अभी लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में वो है आईडीए अप्रूव्ड तो आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हो बहुत ही चीप आता है ठीक है देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है वेट के बारे में अगर आप पेट ले जा रहे हो जरूरी नहीं आपका पेट केबिन में ही आ जाए आपका पेट कार्गो में भी जा सकता है या एयरपोर्ट पे भी चेक इन कर सकते हैं तो इनकी तीन कैटेगरी होती है फर्स्ट कैटेगरी होती है केबिन की उसमें क्या होता है आप पेट को अप टू सेवन के अगर आपका पेट है तो वो ईजिली केबिन में जा सकता है अगर आपका पेट सेवन के या थर्टी टू के अंदर रेंज में फॉल करता है तो आप उसको चेक इन कर सकते हो वो सेम फ्लाइट में जाएगा बट वो केबिन में नहीं जाएगा सो वो वो भी एक प्रोसीजर है एंड देर इज द थर्ड प्रोसीजर विच इज द कार्गो जिसमें अप टू हंड्रेड के तक आपका पेट जा सकता है सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस प्राइस तो इनका केबिन का है फ्लैट फोर थाउजेंड रुपीज़ आपके पेट का वेट चाहे दो किलो हो तीन किलो हो या छः किलो हो या सात किलो तक हो तो आपको सिर्फ चार हज़ार ही पे करने हैं बट अगर आपका पेट का वेट मोर देन सेवन के है मतलब वो कार्गो में जाने वाला है तो उसका फ्लैट चार्जेस है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ सो so, अगर मैं अपने पेट की बात करूं तो मेरा पेट तो ऑलमोस्ट हरदम सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव के के बीच में ही लाइक करता है तो इससे पहले जब मैं दूसरे डोमेस्टिक एयरलाइन जो अलाउ करती थी एयर इंडिया आ, उसमें आता था तो मुझे हरदम एक डर रहता था कि पाँच किलो से हरदम ज़्यादा आता है क्या होगा बट टचवुट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बट अकाशा एयरलाइन ने जो दो किलो का बफर दिया है ना दो के का उससे मुझे रिलैक्सेशन ज़रूर मिल गई है सो so, फॉर सेवन केजीज फोर फ्लैट विच इज़ रियली नाइस सो नाउ मूविंग ऑन टू अब अभी हमारा क्या हो गया फ़्लाइट हो गई और उसके बाद हमने प्राइस की डिस्कशन कर ली वेट का भी डिस्कशन कर लिया एंड फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बता दिया सो so, अब मैं आपको ले चलता हूँ एयरपोर्ट और वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लाइव एक्सपीरियंस हाउ इज़ माई चेक इन एक्सपीरियंस हाउ इज़ माई बोर्डिंग एक्सपीरियंस और फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा We have actually got the boarding pass and the process with Akasa Airline was very smooth. So Raghu helped us uh, make the process very seamless and now we are ready to board. Thank you so much. Thank you. So finally we are done with the uh, security check-in. Uh, one of the executive from Akasa Airline has helped us which was really helpful. We the check-in. And here is our boy. Say hello. Oscar. सो वी आर नाओ सिटिंग एट द लॉन्च एंड बेंगलोर एयरपोर्ट लॉन्च ने भी हमें अलाउ कर दिया पेट के साथ आने के लिए सो आई वॉज नॉट अवेयर एंड वी हैड अ चांस टू इन्जॉय फूड एज वेल सो मे बी जो अभी मैंने एक फूटेज uh, लगाया था इससे पहले वो ज़्यादा ऑडियो क्लियर नहीं होगा बट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्राम अकाशा एयरलाइन नेम्ड रघु हेल्पडस विद ऑल दी फॉर्मेलिटीज़ एंड इट जस्ट टू कस फाइव मिनट्स सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू सो इन नेक्स्ट ऑफ थर्टी मिनट्स विल बी बोर्डिंग ऑफ फ्लाइट एंड उसमें भी हमें प्रियोरिटी uh, पेसेस पे बोर्डिंग करने मिलेगा सबसे पहले हम ही बोर्ड करेंगे सो दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दी अकासा एयरलाइन लाइन प्रोसीजर सो हाउ आर यू फीलिंग इज काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड आउट बट ट्रीट तो मज़े में खा रहा है तो अकाशा एयरलाइन की एक सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी एंड मेरे लिए तो सबसे अच्छा रिलैक्सेशन एक पेट पेरेंट के लिए तो मतलब रिलीफ है ये कि आपको प्रियोरिटी चेक इन मिलता है और आपको प्रियोरिटी बोर्डिंग भी कराते हैं सो so, अभी तक आपने क्लिप देख ही लिया होगा तो उसमें बेसिकली क्या हुआ द मोमेंट आई वेंट टू द काउंटर अकाशा एयरलाइन के मैंने बोला मेरे पास पेट है सो दे इमीडिएटली स्पोक टू देयर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर ने एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव अकाशा एयरलाइन को हमारे साथ रख दिया वहीं पे कि वो हमें पूरा हेल्प करने वाला है सो so, उसने बस हमारे डॉक्यूमेंट देखे उस दिन भी आपको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा एक नया बनवा लेना उसमें सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बुक ले जाना जहां पर लिखा होगा कि, कि आपका नेक्स्ट वैक्सीनेशन ड्यू कब है तो ये दोनों चीज़ वो रिप्रेजेंटेटिव देखेगा और आपका चेक इन भी कर देगा मतलब आपको लाइन वाइन नहीं खड़ा रहना आप बस बोल दो पेट है आपके पास और वो एक रिप्रेजेंटेटिव आपको ले जाएगा चेक इन करा के सो so, जैसे ही आपका चेक इन हो जाएगा उसके बाद वही सेम रिप्रेजेंटेटिव या कोई और आपको इमीडिएटली सिक्योरिटी चेक इन पर भी ले जाएगा वहां पर भी आपकी प्रियोरिटी सिक्योरिटी चेक इन होगी और आपको पेट को अपने हाथ में लेके जाना है जो यूजुअल प्रोसेस होता है वहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे एंड देन यू आर गुड टू बोर्ड सो सिक्योरिटी चेक इन के बाद हमें अब करना था बोर्डिंग बट मेरे पास तीन चार घंटे थे तो हमने मस्त टाइम बिताया एयरपोर्ट लाउंज में बैंगलोर के और उन्होंने भी हमें पेट एक्चुअली अलाउ कर दिया इनसाइड कुछ भी नहीं बोला पेट्स आर अलाउड मे बी बिकॉज वो मेरे पास कैनल में था इसलिए मुझे ले जाने मिला बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आज तक मेरे ख्याल से कोई भी पेट इंडिया में लाउंज uh, में नहीं गया होगा बिकॉज लास्ट मोमेंट में ही आपको चेक इन करने मिलता था बट यहाँ पर आप कभी भी जा सकते हो तीन चार घंटे पहले जाओ आप सिक्योरिटी चेक इन करके अपने पेट के साथ अंदर जा सकते हो एंड आई गॉट अ चांस टू इन्जॉय फूड एंड ऑस्कर को भी एयरपोर्ट लाउंज में बहुत अच्छे से दे ट्रीटेड एंड थोड़ा सा मिल्क ऑफर करा एंड ऑल दोज थिंग्स सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर सो अब फ्लाइट की टाइमिंग जब आई तो फ़्लाइट की टाइमिंग पे वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ था हमें पहले ही उसने बोर्डिंग करा दी एंड बोर्डिंग बहुत इजी प्रोसेस था कुछ भी नहीं करना है आपको बस मेरे केस में एक बस में बैठ के मुझे जाना था वहाँ गया और मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा मुझे बस वहाँ जाकर रिप्रेजेंटेटिव को बोलना आई हैव पेट सो उन्होंने मुझे इमीडिएटली अंदर प्लेन के जाने दिया सो बोर्डिंग प्रियोरिटी इन प्रियॉरिटी सब कुछ प्रियोरिटी में हुआ दे विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव विच इज़ अ रियली गुड थिंग क्योंकि आप कभी कभी कुछ ज़्यादा सामान लेते हो उसके बाद आपके पास पेट भी हो जाता है तो यू नीड समन टू हेल्प यू आउट सो वो चीज़ें बहुत सही हुई सो नाओ कमिंग टू दी सीट एलोकेशन सो एयर इंडिया जो फ़्लाइट है वो आपको यूजली लास्ट सीट पे ही बैठने देती लास्ट का कॉर्नर सीट आपको मिलेगा बट अकाशा एयरलाइन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि लास्ट के पांच रो में आप कोई भी रो सेलेक्ट कर सकते हो uh, और मेरे केस में ऐसा ही हुआ था मुझे लास्ट की लास्ट की फोर्थ सीट मिली थी अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग टू द टाइम ऑफ डी बोर्डिंग फ्लाइट इट वॉज सुपर्ब Uh, कोई मतलब बींग अ पेट पेरेंट एक अंडर डर तो रहता ही है कि भाई कुछ कुछ भी प्रोसेस में कुछ दिक्कत ना हो जाए कैसे मैनेज करूंगा एयरपोर्ट पे लास्ट मिनट में पायलट ने मना कर दिया या लास्ट मिनट में ऐसा हुआ कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा पहुँचाऊँ मुझसे पहले दो पेट ने बोर्ड कर दिया तो मेरे पेट को तो ऑलरेडी अलाउ नहीं करने देंगे सो so, ये सारे चीज़ें जो होते हैं ना दिमाग में रहती हैं दूसरे एयरलाइंस के साथ जब मैं ट्रैवल कर रहा था बट अकाशा में ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है अपनी टिकट बुक करो पेट की बुक करो यू आर सेटल्ड आपको कोई टेंशन नहीं है सो so, एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देना भूल गया मैं वो ये था कि केबिन में सिर्फ एक ही पेट अलाउड है और एक पेट कार्गो में अलाउड है सो दैट मीन्स इन अ फ्लाइट यू कैन हैव ओनली टू पेट्स सो एक केबिन और एक कार्गो में अलाउड है सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर बहुत ही सिम्प्लीफाइड प्रोसेस है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं क्योंकि सब चीज़ें ऑन दी स्पॉट हो जाती हैं और बहुत ही ईज के साथ होती हैं सो मेरा एक्सपीरियंस अकाशा एयरलाइंस के साथ तो बहुत ही अच्छा था मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे मतलब एवरी थिंग वॉज सो शॉटेड फॉर मी मतलब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई कैन जस्ट रीच द एयरपोर्ट टू आवर्स प्रियोर टू द फ्लाइट एंड आई एम द गाय हु इज गोइंग टू चेक इन डू अ चेक इन ऑन बेसिस डू द बोर्डिंग ऑन प्रियोरिटी बेसिस आई कैन ऑल्सो इन्जॉय द लॉन्ग एक्सेस जहाँ पर पेट्स अलाउड रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो एक एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाती हैं सो आई एम रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस आई हैड विद अकाशा एयरलाइन आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली रघु हु हैज़ हेल्प मी राइट फ्रॉम दी चेक इन टिल बोर्डिंग द फ्लाइट वो मतलब कॉन्टीन्यूसली मेरे साथ कॉल में भी था कि मैंने एक बंदा भेजा है वो आया है कि नहीं सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अस फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट ट्रैवलिंग विद अ पेट सो आई वुड रियली थैंक अकाशा एयरलाइन फॉर गिविंग सच नाइस एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ये वीडियो अकाशा एयरलाइन के लिए रिस्पेक्टिव था बट इसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो डालने वाला हूँ कंपेरिजन बिटवीन एयर इंडिया एंड अकाशा एयरलाइन एंड बस अपने जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा आई होप वो एक्सपीरियंस आपको चूज करने में फ़्लाइट चूज करने में हेल्प भी करेगा सो इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट वीडियो एज वेल जस्ट गो एंड वॉच इट एंड चूज द बेस्ट फ्लाइट फॉर योर सेल्फ